आईआरएल अजमेर की माइक्रोबायोलॉजिस्ट टिकटी सिंह राठौर बुधवार को ब्यावर पहुंची। इस दौरान श्रीमती राठौर ने जिला क्षय निवारण केंद्र ब्यावर की ओएसए विजिट की। विजिट के दौरान श्रीमती राठौर ने ईक्यूएस से संबंधित समस्त रिकॉर्ड देखे। इस दौरान उन्होंने राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय ब्यावर की लैब का भी निरीक्षण किया। श्रीमती राठौर ने अजमेर जिले में कार्यरत पांचों एसटीएलएस की पैनल टेस्टिंग की गई। अजमेर जिले में वर्ष 2023 में अब तक 13,000 संभावित टीबी मरीजों की जांच की गई है। विजिट के दौरान जिला क्षय रोग डॉक्टर लोकेश कुमार गुप्ता, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अखिलेश वर्मा, लैब टेक्नीशियन श्री राम सिंह, एसटीएलएस महेंद्र कुमार शर्मा, हेमंत त्रिपाठी, आशिक हुसैन, नीरज कुमार व दिनेश कुमार बोयद, डीबीपीएम नितिन कुमार साहू, डीईओ व अमित जांगीर, सीबीनाट एलटी इत्यादि मौजूद रहे। के दौरान डीटीसी पर उपलब्ध माइक्रोस्कोप से रिलेटेड सारा डाटा रिव्यू किया गया, जो भी रिकॉर्ड है वो सारा देखा गया। साथ ही पैनल टेस्टिंग की गई, जिसमें पांचों टीयू के जो एसटीएलएस है वो उपस्थित थे और उनके द्वारा अलग अलग पैनल बनाकर स्लाइड बनाकर टेस्ट किया गया। इसके साथ ही नाट साइट जो सीबी नाट और टू नाट साइट है डीटीसी की, उसकी विजिट की गई और एक एच में संचालित डीएमसी की विजिट की गई। विजिट के दौरान जो कमियां थी उनके बारे में मैडम द्वारा अवगत कराया गया, जिनको जल्दी ही पूरा किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, एनटीपी प्रोग्राम के तहत फर्स्ट क्वार्टर 2023 में अजमेर जिले में लगभग 10,000 माइक्रोस्कोपी की जा चुकी है। हमारा लक्ष्य है कि 3400 पर लाख पर ईयर का टारगेट हम अचीव करें। वर्तमान में यह टारगेट लगभग 1700-1800 तक हम अचीव कर पाए हैं। तो जो भी व्यक्ति जिसको 2 सप्ताह से ज़्यादा की खांसी है, हम चाहते हैं वो सभी व्यक्तियों की माइक्रोस्कोपी की जाँच हो, जिससे जल्दी से जल्दी पॉजिटिव आने पर समय पर इलाज शुरू किया जा सके।